Thank you, Jesus, for all the good things that you have done, Lord, in my life. इतनी सारी आशीषें दी है 2016 इतना सुंदर गया है भरपूरी से गया है एक भी साल ऐसे नहीं छोड़ा है जहाँ पे आशीष नहीं है ऑफिस में बोलो घर में बोलो जहाँ जाते हैं सिर्फ इशू है थैंक यू जीसस सबसे बढ़िया बात तो ये कि इतनी सुंदर कलीसिया दी है इतने अच्छे पास्टर सिस्टर दी है जो हमें सिर्फ प्रभु में बढ़ा रहे हैं ये बहुत खुशी है इशू है इशू है इशू है दैट्स इट और जितना हम लोग करीब जा रहे हैं इशू के उतनी आशीष है उतनी भरपूरी कोई कमी नहीं है इशू ही एक चीज़ है जो चाहिए आपके जीवन में अगर वो है तो सब कुछ मिल गया आपको दैट्स द लाइट हस्बैंड का जॉब बोलो बहुत आशीषित है बच्चे प्रभु में बढ़ रहे हैं पूरा परिवार प्रभु में बढ़ रहा है इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए इशू बढ़े हमारे जीवन में और हम घटते जाए इससे ज़्यादा थैंक यू जी फॉर एवरीथिंग इतने सारी तकलीफें छोटी मोटी आती है बट प्रभु का प्यार इतना ज़्यादा है सब कुछ उसमें समा जाता है कुछ चाहिए नहीं मिलता Thank you, Jesus, for everything that you're doing so good in our life, and I'm so blessed. 2016 में हमको बोला था कि ये जीवन, I mean, this year would be a year of victory, abundance, inheritance, and full of provisions. ये चारों आशीषें इतनी भरपूरी से ले ली है. Thank you, Jesus. जो कुछ भी आपने कहा है, आपने पूरा कर दिया. And 2017 will be supernatural, beautiful, wonderful. Thank you, Jesus. All glory. से चर्च में नहीं आई लेकिन मैं नासिक में थी जैसे मैं वहाँ प्रार्थना किया सुबह रुकी थी तो पहला ट्रिप जाके आई तो वो लड़का जो दौड़ ड्रिंक करता था काम करता था तुरंत नेक्स्ट टाइम मैं गई तो उन्होंने कहा कि सुबह आप प्रार्थना करके चली गई तो उनका लाइफ ही चेंज हो गया और ऐसे ऐसे पास्टर के बारे में पूछ रहे मैं उनको नंबर दिया और फिर मैं 27 तारीख को दौड़ गई शादी के लिए जब कभी मैं मेरे भाई का 18 साल से बात नहीं करती थी क्षमा किया था लेकिन मिली नहीं उनके साथ जब मैं वैसे घर में गई तुरंत इतना मतलब इतना मैंने परमेश्वर का उपस्थिति को महसूस किया मैं कभी अकेले ट्रैवलिंग नहीं करती हूँ और जैसा मैं एक्सप्रेस में बैठी थी मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि परमेश्वर मेरे आगे चल रहा है और इतना उपस्थिति घर में गई तो तुरंत सब मुझे पूछ रहे हो शादी में कोई मुझे कभी किसने मुझे पूछा भी नहीं होगा कोई रिश्तेदार ने पूरा सब फैमिली आया था वो बोल रहे थे कौन सा चर्च में जाते आपके पास्टर का नाम क्या है और उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया कि दौन में पास्टर का मीटिंग उन्होंने पूछा है मुझे आपके पास्टर को पूछो और मैं धन्यवाद देती हूँ कि जैसा मतलब बहुत यूथ था वो यूथ के लिए प्रार्थना किया दुष्ट आत्मा निकल गए इतना परमेश्वर का उपस्थिति मैंने कुछ भी नहीं किया परमेश्वर ने सब कुछ किया मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ और कोई जब यूथ है पर मैं पास्टर को पुणे में ज्वाइन करना चाहते हैं मैंने सिस्टर को फ़ोन किया था 31 को क्योंकि मैं उधर ही थी गाड़ी लेट थी इसलिए मैं आ नहीं सकी इधर तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि इतना अलौकिक बात दौड़ शहर में हो गया और सही में पूरा साल मुझे परमेश्वर ने स्पिरिचुअल लाइफ में फाइनेंस में सब चीज़ों में उठाया और पूरा स्ट्रगल खत्म हुआ इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ स्तुती करते धन्यवाद देते पूर्ण वर्षभरात इतकं प्रभूने साय मदत केली इतके संकट आली पण परमेश्वर स्तुती करते धन्यवाद देते की पास्टरने आणि सिस्टर त्यांच्या फॅमिलीने आणि पूर्ण काँग्रिगेशनने आम्हाला मदत केली प्रार्थनेच्याद्वारे उचललं आणि त्यामुळे आम्ही स्थिर झालो त्याबद्दल मी प्रभूची स्तुती करते आणि खूप खूप ठिकाणी प्रभूंनी माझा उपयोग केला वचनाच्या द्वारे आणि लोकांना आशीर्वाद केलं इतकंच नाही नव्हे की पास्टरने जे शिक्षण दिलं त्या वचनाच्याद्वारे मी त्यांच्याशी बोलली आणि त्यांना आरोग्य मिळालं आणि प्रभूने त्यांना गाड्याही दिल्या त्याबद्दल गुजरातसारख्या शहरामध्ये प्रभूचं वचन पोहोचलं त्याबद्दल मी स्तुती करते धन्यवाद देते आणि स्तुती करते की राहुलच्या पण सिस्टर किरण बजाजच्या पण मला गाडी दिली त्याबद्दल मी प्रभूची स्तुती करते धन्यवाद देते
जस मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहती हूँ मेरे हाउस कलीसिया का ग्रुप के मेरे को हर दिन में प्रार्थना में रखता है, क्योंकि मैं अभी ये डेढ़ महीना से मैं नहीं जा सकती हूँ काम के वास्ते, और वो लोग सब मुझे प्रार्थना के लिए रखते हैं, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देती हूँ। और वैसे ही मुझे मेरे एक चेन और अंगूठी मैंने बहुत साल के बाद मैंने गाँव में गिरवी रखी थी, और उसका कोई आता पता नहीं था, कोई फ़ोन करता तो फ़ोन नहीं उठाता, लेकिन अभी है दो दिन में से मुझे लगातार फ़ोन आ रहा है, तुम्हारा चीज़ जो भी रखी है तुमने तुम आके लेके जाओ करके। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ, जो मेरी गई वो चीज़ उसने मुझे लौटा दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु। थैंक यू जी। Today, what was the last prophecy? Whatever the devil has stolen, God will restore it. Wow. Praise the Lord. प्रभु के पवित्र नाम को धन्यवाद देता हूँ। 2000 साल हमारा बहुत तकलीफ में गया, लेकिन प्रभु ने वही स्थिति में हर एक वाइट स्थिति में हमको संभाला। प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। और एक प्रभु ने हमें नई शुरुआत के लिए अच्छी कलीसिया दी, कलीसिया के अपने भाई बहन दिए, अच्छे पास्टर सिस्टर दिए है, प्रभु के लिए धन्यवाद करता हूँ उसके लिए। हालेलुया। और एक दूसरी गवाही मेरे खुद के बारे में, करीब करीब एक डेढ़ साल से मेरा कमर बहुत दर्द होता था, मेरे को लगा कोई स्पाइन का प्रॉब्लम रहेगा या हमारा वगैरह किया, लेकिन कुछ भी ऐसा मेजर प्रॉब्लम नहीं मिला। मैं बहुत इसलिए नाराज था क्योंकि मैं ऐसा एक आधा घंटा खड़ा रहेगा तो मेरे कमर से लेके पैर तक पूरा दर्द होता था, और 5 मिनट भी मेरे को चैन नहीं पड़ता था। प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। 2 दिन पहले मेरे को बहुत ऐसा कमर दर्द हुआ, और पेट के पीछे और पेट के आगे अगले नीचे के हिस्से में बहुत दर्द होने लगा। पास्टर को फ़ोन किया, पास्टर ने प्रेयर किया और बोला कि कोई ऑपरेशन का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और जाके मैंने अभी सोनोग्राफी किया तो सोनोग्राफी में मेरे को ऐसा स्टोन का प्रॉब्लम दिखाई दिया। प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। वही स्थिति में मैं प्रभु को यही प्रार्थना करता था कि प्रभु यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हुआ हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और दर्द भी बहुत बड़ा पड़ता था, जब भी मैं प्रभु का नाम अपने मुंह से निकालता था तभी प्रभु मेरे को चंगाई देता था। हालेलुया, हालेलुया। ये प्रभु की दया और करुणा। और मंगल बुधवार के दिन जब भी मैं घर पे आया तभी भी मेरे कमर में और पेट में बहुत दर्द था, और प्रभु की दया से मैं घर पे जब भी आया तो मैं यही सोचता कि कल जाके ऑपरेट करने का, क्योंकि इतना दर्द था कि मैं सह नहीं पाता था। लेकिन प्रभु अपने लोगों की प्रार्थना सुनता है, विशेष करके अपने मुंह से निकला हुआ वचन वो कभी गिरने नहीं देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और जैसा मैं घर पे पहुंचा तो मेरा एक फ्रेंड है, वो बहुत साल से मुझसे बड़ा है, लेकिन वो मेरे लिए बहुत मतलब मुझसे बहुत प्यार करता है। और मेरे जैसा वो उसने सुना कि मेरे को एक बीमारी हो गया है तो मेरे लिए गाउठी दवा लेके आया। प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। और उस वो जब भी दवा मैंने लिया तुरंत दूसरे दिन वो मेरा जो स्टोन था वो यूरिन से पास हो गया, और परमेश्वर ने मुझको चंगाई दी। नहीं था 2015 से, तो बहुत तकलीफ में थे हम, कुछ भी नहीं था हमारे पास, इवन घर का रेंट भरने पैसा नहीं था। तो उसके बाद जैसे जैसे पास्टर ने दिसंबर में ऐसे प्रे किया था कि हमें अपने हम बहुत सोचते हैं करके, मगर गॉड बहुत अच्छा सोचता है, और ऐसे ही दिसंबर से स्टार्ट हो गया। सुपर नेचुरली जो हुआ, मेरे हस्बैंड को अच्छा जॉब मिला, वो सेटल हो गया, और फिर हमको घर चेंज करना था। मैंने बोला गॉड मैं तो अकेली हूँ, मैं कैसे करूँगी, मगर गॉड ने उस दिन ही किसी को भेजा, इलेक्ट्रिशियंस को, और उनको उस दिन कुछ काम नहीं था, वो लोग ने पूरा मेरा सामान का हेल्प कर दिया मतलब। और मुझे गॉड का वर्ड भी याद है, बोला जीसस बोलता है कि आई एम नॉट अलोन, माई फादर इज़ विथ मी। तो मुझे जीसस ने बोला कि तू वो हमेशा याद रख कि यू आर नॉट अलोन, जीसस इज़ ऑलवेज विथ यू। तो इवन मैं अकेली हूँ, बच्चों के साथ इतना मुझे स्ट्रगल होता है, तब भी वो वर्ड मुझे हमेशा होली स्पिरिट याद दिलाता है, यू आर नॉट अलोन, गॉड इज़ विथ यू।
तो मैं गॉड को बहुत थैंक्स बोलती हूँ. इतना मुझे तकलीफ होता है हर चीज़ में, मुझे हर जगह भागना पड़ता है अकेले, पर मुझे हमेशा गॉड ने स्ट्रेंथ दिया, एवरी डे न्यू स्ट्रेंथ, और एवरी डे मुझे इतना हेल्प होता है कि मैं सोच भी नहीं सकती कि कौन आएगा कब मुझे मदद करने. तो मैं जीसस को बहुत थैंक्स बोलना चाहती हूँ कि हमको इवन अभी मेरी छोटी बेटी का ये था एडमिशन्स, तो उस उन्होंने बोला कि तुमको मैसेज आएगा, कोई मैसेज नहीं आया. तो मैं दूसरे दिन गई और चेक किया, उसका नाम था, तो पैसा आना था. मेरा हस्बैंड बोला आज शाम को भेजता हूँ, और दो दिन कुछ आता पता ही नहीं. तो मैंने बोला अरे पैसा किधर है, तो बोला अरे भेजूँगा भेजूँगा अरेंज करता हूँ. जब पैसा आया तो बैंक में नहीं आया, बैंक ब्रांच अलग था. मैं 6 दिन लगातार बैंक में गई. मैंने फिर क्रिसमस के पहले बोला गॉड वो पैसा नहीं आया, मैंने तो चेक दे दिया स्कूल में, अब क्या करूं. मैंने बोला होली स्पिरिट अगर आज मैं गई ऐसे तो बहुत मेरा प्रॉब्लम हो जाएगा बच्चे का. तो पता नहीं एक आदमी आया, बोला क्या हुआ. तो मैंने बोला सर मेरा है ना पैसा आने वाला था बैंक में, वो गिरीज बैंक में चला गया. तो बोलते ऐसे कैसे तेरा अकाउंट गोकेवरा में और उधर चला गया. मैंने सर पता नहीं. तो बोला कुछ रिसीट है. मैं बोला हाँ मेरे पास है, व्हाट्सअप में दिखाया. तो उन्होंने उनको फ़ोन करके उनको आधे घंटे में मेरा पैसा ट्रांसफ़र करवाया, और चेक क्लियर हो गया. क्योंकि मुझे बहुत डर था कि क्या होगा करके अगर चेक क्लियर नहीं हुआ तो. तो गॉड ने बहुत अच्छा किया उसके लिए. तो मैं जीसस को हर एक दिन के लिए थैंक्स बोलना चाहती हूँ कि एवरी डे जो मेरा स्ट्रगल है लाइफ का उसके लिए मुझे होली स्पिरिट एवरी डे हेल्प करता है. आई गिव ऑल ग्लोरी टू जीसस. प्रभु यीशु को धन्यवाद. मेरे बेटे को तो चंगाई प्रभु यीशु ने दे दी, कल बताया था. और मेन बात तो उसके लिए जो हॉस्पिटल्स का जो खर्चा था वो कैसे इकट्ठा हो मुझको भी नहीं मालूम, और प्रभु ने कैसे दिया वो मैं खुद इमेजिन नहीं कर सकता हूँ. कितना 20-25 हज़ार रुपये का बिल आया था वो भी प्रभु ने भर दिया. तो जब मेरा बेटा डिस्चार्ज करके आया, जब हॉस्पिटल में एडमिट था तभी तो मेरा जॉब तो चला ही गया था. तो बॉस ने तो जॉब से मतलब यही कर दिया था. हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर मेरा बेटा घर पे आया, तो नेक्स्ट डे एक जन का फ़ोन आया. तो अभी बोले तो जॉब तो है नहीं, क्या करने का. तो बोले कि मेरे पास आ जाना तो कुछ सैंपल वगैरह सिर्फ शॉप में जाके बेचने का. तो नेक्स्ट डे मैं वैसा ही चला गया. मतलब अभी कुछ है नहीं तो कुछ तो करूँ, एटलीस्ट कुछ करना तो चाहिए. तो उसके बाद सैंपल लिए और वैसे पे घर आ रहा था तो वैसे स्टेशन उतरा. बोला चलो दिखा के चले जाओ. तो फर्स्ट डे ही मेरे को 100 रुपीज़ का ऑर्डर आया और उसी दिन मेरे को 1000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ. तो मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि आज दिन तक मुझे प्रभु ने, और आज कम से कम 20-25 दिन हुए, 20-25 दिन से मेरे को प्रभु कैसे संभाल रहा, मेरा घर कैसा चला रहा हूँ मुझे ही नहीं पता. इसलिए मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ. थैंक यू जीसस. थैंक यू जीसस. शी इज गोइंग टू स्टैंड विद मी टू गिव मी सम करेज. यस, आई विश एवरीवन अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर. Same to you. I actually have not gained that much of courage to speak here, but I want to thank everyone. Like we say, God is within us. So He has sent such wonderful people in my life to help me out throughout. Through my thick and thin, what I've gone through, what my mother has gone through, He has sent a wonderful people around me. And I would always say that if at all I go wrong someday, maybe, you know, I'm not a spoiled brat, but yes, I'm a responsibly spoiled brat. So that's why what happens is if anything goes wrong with me, my brother is always, he's always there for me. Every night I come home, he tells me that, you know, Sonal, Didi, not Sonal, Di. So you're going wrong. You know, this is not right thing. I don't know how he come to know. Jesus. Huh? So I said, how do you know about this? Like, I'm not telling you anything. I'm just conveying something what I had in my mind. I'm just telling you. And that, you know, triggers me something like, Sonal, wake up. So Jesus is always there with me. Amen. He has been there with me. He has not given up on me. Trust me on it. At very hard times, he has still not given up on me, and I'm not going to give up on him. Amen. Amen.
you. Good, good. I want to thank my baby and my Baba, both. Because they have always been for me. And my mother and my brother. And I want to give my brother a round of applause. Because he's a good brother. I'm going to apologize also for being rude at times. I love all the lovely ladies out there. So they are looking all beautiful. And you're also looking a star, you know. I also want to play that one day. I'll do that. You know, man, yes, I'm you fond will. Of music. I'll come soon. I will come soon there. Fear and everything only by the word of His word and the true testimony. Amen. Thank you, Jesus. Yes. Praise the Lord. Pita Parmeshwar, dhanyavad stuti maan ani mahima gaurav deto. Ya sarva dan dashmansh badal tula dhanyavad deto Pita Parmeshwar. Halya Pita Parmeshwar mala ki 3 dha madhe tujha vachan manta. Ki maasha gharat anna save manun tumhi avga dashmansh kotrat ana. आणि तुम्ही असे केले म्हणजे मी तुम्हासाठी आकाशांच्या खिडक्या उघडून जागा पुरणार नाही एवढा आशीर्वाद तुम्हावर होतीन की नाही याविषयी आता माझी प्रचिती पहा आणि खाऊन टाकणाऱ्याला मी तुम्हाकरता धमकावीन मग तो तुमच्या भूमीचे फळ नाचणार नाही आणि तुमची बागातील द्राक्षवेल अकाली आपले फळ भूमीवर गळू देणार नाही असे सैन्याचा यहोवा म्हणतो हालेलुया आणि सर्व राष्ट्र तुम्हाला सुखी म्हणतील कारण तुम्ही भूमीचे मनोरम फळवाल असे सैन्याचा युवा म्हणतो हालेलुया बापा सनातन प्रभू प्रभू येशूच्या नावात आणि रक्तात तुला धन्यवाद देतो सर्व दान दशमांश बद्दल तुला धन्यवाद देतो हालेलुया पिता परमेश्वर लेवी 9 मध्ये बाबा तुझं वचन सांगतं की मी तुमचा देव होईन तुम्हामध्ये वस्ती करीन आणि तुम्हाला लज्जित होऊन देणार नाही होय पिता परमेश्वर जिवंत देवा राजांच्या राजा प्रभूंच्या प्रभू तो आम्हाला हे सर्व भौतिक आशीर्वाद दिलेले आहेत आज तुझ्या लोकांसाठी प्रार्थना आणि विनंती करतो बापा हालेलुया की बापा सनातन प्रभू पवित्र आत्म्याचे नव फळ बापा हालेलुया हर एक व्यक्तींच्या जीवनामध्ये येऊ दे बापा हालेलुया हर एक जण बापा हालेलुया हजारांची पाठ फिरवणार असं होऊ दे बापा पवित्र आत्म्याच्या उपस्थितीमध्ये चालव बापा हालेलुया ही प्रार्थना आणि विनंती प्रभू येशूच्या पवित्र नाव तुझ्याकडे करतो तू ऐक आणि मान्य कर Let us confess the word. Bless the Lord.